بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. I hope that you all are fine. भाई वो नेशनल T20 का ख़त्म हो गया है, तो जैसे कि मिस वर्ल्ड हक ने कहा था कि 19 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया जाएगा जिम्बाब्वे की अगेंस्ट सीरीज। तो आज मिसबा ने तो 5-6 दिन पहले क्या चीफ सेलेक्टर के अहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एज ए हेड कोच उन्होंने खुद टीम का अनाउंस किया है। और ये डोमेस्टिक नेशनल T20 कप में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले अब्दुल्ला शफीक, उस्मान कादिर, रोहल नज़ीर, इनको भी पहली बार सिलेक्ट किया गया है। और दूसरी बात, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर को रेस्ट दिया गया है, उनको ड्रॉप नहीं किया है, उनको रेस्ट दिया गया है, क्योंकि आगे जिम्बाब्वे के बाद हमारी ज़रा वो मुश्किल सीरीज हैं, तो इस वजह से उनको रेस्ट दिया गया है, ड्रॉप नहीं किया उनको। और फखर जमान जो कि नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर थे, जिनके टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन थे, वो इसी वजह से सिलेक्ट हुए, नहीं तो खबरें ये भी आ रही थी कि उनको भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। फहीम अशरफ की वापसी हुई है और बाकी स्कॉड की डिटेल पिक्चर एक पीडीवी फेसबुक के पेज पीडीवी स्पोर्ट पर अपलोड हुई है। मैं वो पिक्चर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर तक। व्हाट्सएप के ग्रुप मेरे हैं, एक क्रिकेट फैंस के नाम से है और दूसरा PSL लाहौर कलंदर के नाम से है। उन दोनों ग्रुप में वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ खिलाड़ी को ये मैंने नाम बता दिए हैं, और अभी सुहेब मकसूद, दानिश अजीज, शजी खान, आजम खान को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मिसबा शजी खान की फिटनेस के हवाले से पहले ही बात कर चुके थे। फहीम अशरफ की वापसी हुई है, बहुत सी चॉइस है, खुशदेव शाह भी हैं, हुसैन तलब को नज़रअंदाज किया गया है, आबिद अली हैं, इमामुल हक हैं, मोहम्मद हफीज हैं, इमाद वसीम हैं, और बाबर आजम के नायब कप्तान कैप्टन के साथ जब वाइस कैप्टन का भी अनाउंस किया, वो वाइस कैप्टन शादाब खान है। कुछ खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ओके, अल्लाह हाफिज़।